आप लोग को बताऊंगी मेरा स्किन केयर रूटीन, तो चलो बताती हूँ क्या क्या है। तो स्टेप वन है फेस वॉश। तो गाइज आज मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ द मॉम्स को का नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश विथ ऑरेंज पील एंड प्रो विटामिन B5। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये रिमूव कर देता है जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे स्किन में, जितने भी डर्ट है और जितना भी डीटैन हो चुका है। ये मेन तो इस चीज़ पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो आपको मसाज करना है 2 मिनट्स के लिए अच्छे से और इसे रिंस कर देना है। और इसमें पाए गए ऑरेंज आपके स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा, बिलीव मी। स्टेप टू है हमारा टोनर। तो ये हाँ मैं यूज़ कर रही हूँ टी ट्री का द लव कोका टोनर, जो कि बहुत ही अच्छा है और पूरा प्योर टी ट्री से बना हुआ है और बहुत नेचुरल भी है, कोई गंदी स्मेल भी नहीं है और बहुत इफ़ेक्टिव है एक्ने स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए, जिनको टाइनी बम्स आते हैं उनके लिए भी। तो ये स्प्रे बॉटल में आता है, बहुत ही कन्वीनियंट है। उसको अप्लाई करना है आपको और टैप टैप करना है अपने हाथ से, 5 मिनट्स के लिए आपको वेट करना है, अब्जॉर्ब हो जाएगा वो अच्छी तरीके से स्किन पे। और उसके बाद आपको स्टेप 3 फॉलो करना है। तो हमारा स्टेप 3 है मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र। यह है प्रोबायोटिक लाइट जेल, 72 आवर्स के लिए हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को और हमारी स्किन को ग्लो करवाता है और मॉइस्चराइज रखता है, ड्राइनेस से दूर रखता है और मतलब एकदम अच्छा सा शाइनी इफेक्ट देता है, सॉफ्टनेस क्रिएट करता है हमारी स्किन पे। तो ये भी मेरा एक पर्सनल यूज़ था, मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। और आप लोग भी डॉट एंड की का ब्रांड यूज़ करें, बहुत ही अच्छा है, मैं सजेस्ट करती हूँ आपको। आपको लगाना है इसे अच्छी तरीके से, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और हमारी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी। तो गाइज ये था मेरा 3 स्टेप और ये मेरा पर्सनल स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप लोग भी यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, अल्लाह हाफिज़।